नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। गंदगी के ढेर पर बैठी ग्राम सभा कोलवा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद के विकास खंड हैदरगढ़ के सुभेया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कोलवा का है, जहां हर जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां भारत सरकार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार लोग शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरे गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां टूटी फूटी है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, हैंडपंपों के चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, लोग उसी नल से पानी पीने को मजबूर है। गांव में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों राजेश, संतराम, हरिराम, रोहित आदि ने खंड विकास अधिकारी से की है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मंडल ब्यूरो अयोध्या के साथ प्राइम न्यूज 24 के लिए बाराबंकी से वेद प्रकाश तिवारी। पानी पी लो। क्या नाम है? संत प्रसाद पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा कुलवा। क्या अकबरपुरा ग्राम सभा कौन सी है? कुलवा। क्या मामला है? मैटर यह है कि यहाँ पे उधर हैंडपम्प में पानी भरा हुआ है, नलके में गंदगी भरी हुई है, यहाँ बच्चे पानी पीते हैं तो उसमें बीमार हो जाते हैं, और ये नाली जो बनवा दिए हैं खरिंजा उतना करके बनवा दिए हैं, इस पर चोटिल हो गए बच्चे कितने, जो 100 नंबर डायल किया जाता है उस पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती है सर, और ऐसी ऐसी बात है, बहुत समस्याएं हैं। खरिंजे में पानी भरा रहता है, और जो ये लाइटिंग वगैरह बनवा दिए हैं इसमें जो है बालू से जुड़वा दिए हैं, इसमें गड्ढे वगैरह नहीं खुदे हुए, जो बच्चे जाते हैं तो उसमें हाथे में घुस जाते हैं और बालू से गिरवा दिया, सब गिर रही है। क्या नाम है? गुरु प्रसाद पाल। कहाँ के रहने वाले? भगवतपुरवा। क्या मामला है? ग्राम सभा कोलवा। ये मामला है कि इसमें पानी भरा रहता है, पानी से किधर निकलता नहीं, ना प्रधान नाली बनवा सके, ना कुछ बताते हैं कि हाँ। कौन प्रधान है? यही है सागर प्रधान।